हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। रश्मि फूड मैजिक में स्वागत है। तो आज है हमारा वीडियो दिवाली स्पेशल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वाटर कैंडल। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक ग्लास। इसमें डाल दिए हैं कुछ मार्बल के टुकड़े और मैंने इसको सजा दिया है ग्रीन लीव से, हरी पत्तियों से। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे आइडियाज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं कि आप कैसे वाटर कैंडल्स को आसानी से घर पर बना सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम सेट कर देंगे ये पत्ती। तो रुई की पत्ती है जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, वही पत्ती आज हम यूज़ करने वाले हैं। इसको फूल पत्ती भी कहते हैं। अब इसके ऊपर से डाल देंगे हम वेजिटेबल ऑयल। तो यहाँ मैं बना रही हूँ एक छोटी सी वाटर कैंडल, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। अब जला कर देख लेते हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी वाटर कैंडल। तो अब हम बना लेते हैं दूसरी टाइप की वाटर कैंडल। तो मैंने ग्लास में पानी ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे फूड कलर। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर का फूड कलर यूज़ किया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। इसको पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर की वाटर कैंडल बहुत आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए भी सेम रुई बत्ती जो मैंने पहले यूज़ की थी। तो इसको कैसे बनाना है इसको आप देखते रहिए, आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको इसमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं। तो बस अब जला के देख लेते हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी वाटर कैंडल। अब हम बना लेते हैं तीसरे टाइप की। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कलरफुल मार्बल्स। तो आपके पास अगर मार्बल्स नहीं है तो आप इसके कुछ और भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी क्लिप। तो यहाँ पर मैंने फ्लावर वाली अपनी क्लिप का यूज़ किया है। तो अंदर नहीं, ये बाहर की तरफ ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो बाहर की तरफ मैंने इसको सेट कर दिया है। ऐसे फ्रेंड्स, आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ को यूज़ करके डिफरेंट वाटर कैंडल्स को बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। आपके घर पर जो भी सामान हो आप उससे इस तरह की ये कैंडल्स को बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी बन गई हमारी, ये भी लग रही है बहुत ही सुंदर। तो ये बहुत अच्छे से जलती भी है। अब हम बना लेते हैं बड़ी सी अपनी वाटर कैंडल। तो इसमें मैं बहुत सारी लाइट्स को यूज़ करने वाली हूँ, बहुत सारी पत्तियों को यूज़ करूँगी। ये देखिए, तो अब हम बनाने वाले हैं अपनी बिग फ्लोटिंग वाटर कैंडल। फ्रेंड्स, ये भी बहुत सुंदर लगती है। अब मैं ऐसे ही फ्लोटिंग कैंडल बनाने वाली हूँ। तो इसको बनाना भी बहुत आसान है। एक बोल में हमें पानी ले लेना है। आपके पास जैसा भी बड़ा बोल हो, आप स्टील का या पीतल का परात भी यूज़ कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। इसमें डाल दिया है पानी और ये रही हमारी शीट जो मैंने प्लास्टिक की बोतल से कट की है। फ्रेंड्स, ये देखिए, तो ये गोल मैंने सर्कुलर ऐसे काट ली है। तो ये लिए मैंने प्लास्टिक की बोतल, कोई भी पानी की बोतल हो जो पतली शीट की, उसको आप कट कर लीजिए। तो मैंने ऐसे ऐसे गोल गोल सर्कल में शीट को कट कर लिया है। इस पर आप ड्रॉ कर लें, फिर उसको कट कर लें कैंची की सहायता से अच्छे से। और ये चाहिए हमें वेजिटेबल ऑयल जैसे हम पहले भी यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर बड़ी हमारी कैंडल है तो मुझे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा ऑयल को। अब मैंने बोल में डाल दिया है पानी। अब सजा देते हैं कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ। तो जो भी आपके पास फ्लावर हो आप उसको इसमें डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर फ्लोटिंग कैंडल बनकर तैयार हो जाती है। अब ये बत्तियाँ मैंने ले ली है, इनको हमें शीट में साइड से कट करके फंसा देना है। बहुत ही आसान है इसको फंसाना फ्रेंड्स। आपको जितने मनो आप उतनी बत्तियाँ इस पर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 बत्तियों को सजा दिया है। तो आप ऐसे ही बड़ी छोटी कैसी भी बना सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे वेजिटेबल ऑयल। तो ये कैंडल थोड़ी बड़ी है तो इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल डालना पड़ेगा। तो बत्तियों को ऐसे सेट करें कि वो पानी में डूबे नहीं, पानी पर फ्लोट करती रहे। ऊपर से डाल दिया है मैंने ऑयल। तो बस हमारी कैंडल तैयार हो गई है। अब इसको जला कर देख लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने कैंडल्स को जो है जला दिया है तो बहुत ही सुंदर लग रही है। और फ्रेंड्स, ये बहुत देर तक जलती है, कम से कम 2 घंटे तो ये आराम से जलती है। अगर आपको लगता है कि अब आपकी जो कैंडल है वो बुझने वाली है तो आप इस पर थोड़ा वेजिटेबल ऑयल और डालते हैं तो ये थोड़े और समय तक जलती है। तो आप इस बार इस तरीके से वाटर कैंडल बनाकर आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो इस बार ऐसे ही वाटर कैंडल से घर को सजाइए। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट वाटर कैंडल्स को बनाकर अपने घर को सजा सकते हैं।
मार्केट जाने की जरूरत नहीं, आप घर पर पानी से ही इस बार बनाएं वाटर कैंडल्स और घर को जगमगाएं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे नए आने वाले वीडियोस की। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर एक नए आइडिया के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।